मैं समझती हूँ कि अगर जो नेक शख्सियात हैं यहाँ पर, जिनमें मुफ्ती साहब शामिल हैं, मुफ्ती नईम साहब, जुनेद भाई शामिल हैं, जुनेद जमशेद साहब, मौलाना तारिक जमील साहब शामिल हैं, जाहिर बात है जब ऐसी शख्सियात मेरी रहनुमाई करेंगी और मेरे सामने होंगी तो इस हकीकी तब्दीली में इनका बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा रहनुमाई है और मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। देखिए, मेरी जिंदगी में अचानक एक ऐसा इनकलाब आया जिसको कहते हैं कि दुनिया अपसाइड डाउन हो गई, बिल्कुल दुनिया ही बदल गई मेरी। उसमें मैं आपको बताती चलूं कि मुझे जो मेरे बुजुर्ग हैं जिन्होंने मेरी रहनुमाई की, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जिंदगी में जो अचानक तब्दीली आई इस पर आपको मुस्तकीम जो राह है उस पर रहना आपको बहुत मुश्किल लगेगा। और वाकई अभी तक 3 साल हो गए हैं और इस रास्ते पर चलते चलते बहुत दफा शैतान आपको बहकाता है, आप लड़खड़ाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरे आसपास मुफ्ती साहब जैसे, मौलाना तारिक जमील साहब जैसे, जुनेद भाई जैसे लोग मौजूद थे जिन्होंने हर राह पर जब भी मैं थोड़ा सा लड़खड़ाती थी, थोड़ा सा परेशान होती थी, मेरी रहनुमाई की। और मैं चाहूंगी कि मैं इन हस्तियों का दामन कभी ना हाथ से जाने दूं ताकि मैं राह मुस्तकीम पर हमेशा चलती रहूं। और इसमें आप लोगों की, खासतौर पर मीडिया की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो आम लोगों की दुआएं हैं, वो मुझे चाहिए। और मैं नहीं चाहती कि मैं कभी भी आप लोगों से दिल बर्दाश्ता हूं, और अगर हूं भी तो मैं चाहूंगी कि अल्लाह ताला जो है वो हमेशा मेरी रहनुमाई करे और ये नेक हस्ती हमेशा मेरी रहनुमाई करे।